न्यूनेटल रिसक्टिजेशन प्रोसेस एंड स्टेप्स। आज की जो ये क्लास है उसमें हम न्यूनेटल रिसक्टिजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स होती है, कब यूज़ लिया जाता है न्यूनेटल। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूनेटल रिसक्टिजेशन प्रोसेस कब यूज ली जाती है। बर्थ स्पाइक जी आई कंडीशन होती है, बर्थ स्पाइक जी आई की कंडीशन में हम न्यूनेटल रिसक्टिजेशन प्रोसेस को यूज़ लेते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होती है न्यूनेटल रिसक्टिजेशन में। इसमें मेनली चार स्टेप्स होती है, टी ए बी एंड सी। टी ए बी एंड सी, यहाँ जो चार वर्ड दिए गए हैं उनका सबका अलग अलग मीनिंग है और ये प्रोसेस काम में ली जाती है न्यूनेटल रिसक्टिजेशन के लिए। यहाँ टी का मतलब है टेम्परेचर, ऐसे रिलेटेड मीन्स है एलवे। बी का मतलब है ब्रीथिंग एंड सी मीन्स है सर्कुलेशन। अब हम इस पर देखेंगे आगे कि हमें टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, एयरवे कैसे मेंटेन करना है, ब्रीथिंग कैसे स्टार्ट करनी है और सर्कुलेशन कैसे क्या करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेंटेन टेम्परेचर। टी का मतलब होता है मेंटेन टेम्परेचर। बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए हमें रेडिएंट वार्मर, रूम हीटर, या ये दोनों ना हो तो 200 वाट बल्ब यूज़ में लिया जाता है। रेडिएंट वार्मर, रूम हीटर एंड 200 वाट बल्ब, ये तीनों चीज़ें यूज़ में ली जाती है बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उसे हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए। सेकेंड चीज़ है ड्राइंग द बेबी एंड नेक्स्ट है रिमूविंग द वेट लाइनर। आफ्टर बर्थ बच्चे को ड्राई करना है क्लीन क्लोथ से बच्चे को ड्राई करना है और जितने भी वेट लाइनर हैं बच्चे के उन्हें रिमूव करना है। बच्चे को ड्राई करके वेट लाइनर को रिमूव कर देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एस्टैब्लिश एन ओपन एयरवे। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम बच्चे का एयरवे एस्टैब्लिश करते हैं और किस तरह से हम बच्चे का एयरवे ओपन करते हैं। पोजीशन द इन्फेंट को पोजीशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि बच्चा जितने भी सीक्रेशन है उनको एस्पायरेट ना कर ले, ईजिली ब्रीथिंग के लिए सूटेबल पोजिशन हो। बच्चे के शोल्डर्स के नीचे रोल्ड ब्लैंकेट रखेंगे जिससे कि उसका हेड एलिवेट रहे। सेकंड प्रोसेस है सक्शन द नोज एंड माउथ सम टाइम ट्रेकिया इनसाइड इट ट्यूब इफ नेसेसरी। सक्शन करेंगे नोज और माउथ का, कभी कभी ट्रेकिया का सक्शन की भी जरूरत होती है इट ट्यूब इंसर्ट करके, क्योंकि पोस्ट मैच्योर बच्चे में बच्चा अपने सिक्रेशन एस्पायरेट कर लेता है तो उस कंडीशन में हमें ट्रेकिया को भी सक्शन करनी पड़ती है। अब यहाँ एक चीज़ है कि सबसे पहले नोज का सक्शनिंग करेंगे या फिर माउथ की सक्शनिंग करेंगे, नोज एंड माउथ में से फर्स्ट सक्शनिंग किसकी करेंगे। दिस इज़ ए क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट दिस कि पहले किसकी सक्शनिंग करनी चाहिए। तो फर्स्ट हमें माउथ की सक्शनिंग करनी पड़ती है। वाई माउथ की सक्शनिंग क्यों? माउथ की सक्शनिंग इसलिए क्योंकि जब भी हम बच्चे के नोज को सक्शन करेंगे तो इरिटेशन की वजह से बच्चे जो बच्चा है वो माउथ के सिक्रेशन एस्पायरेट कर लेगा और उसे ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है रेस्पायरेशन में। इसलिए हम पहले जितने भी माउथ के सिक्रेशन हैं उनको पहले सबसे पहले माउथ के सिक्रेशन को सक्शन करेंगे फिर नोज के सिक्रेशन को सक्शन करेंगे। और जब भी ट्रेकिया का सक्शनिंग होगी तो ईटी ट्यूब इंसर्ट करेंगे और फिर सक्शनिंग करनी पड़ेगी। ये हुआ
एस्टेब्लिश एन ओपन एयरवे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसर्ट द इनिशिएट द ब्रीथिंग। ओपन एयरवे को ओपन करने के बाद, एस्टेब्लिश करने के बाद हम कैसे बच्चे में ब्रीथिंग स्टार्ट करें, इनिशिएट करें। टेक्टाइल स्टिमुलेशन, टेक्टाइल स्टिमुलेशन का मीन्स है कि बच्चे को, बच्चे के पेट को रब करना, थपथपाना, जिससे कि बच्चा अपनी ब्रीथिंग स्टार्ट कर सके। अगर इससे पॉसिबल ना हो तो इसके बाद में हम यूज लेंगे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड व्हेन नेसेसरी बैग एंड मास्क और बैग और ईटी। यहाँ बैग एम्बो बैग, बैग एंड मास्क और बैग और एम्बो बैग और ईटी, ये इंस्ट्रूमेंट यूज लेके हम बच्चे की ब्रीथिंग इनिशिएट करेंगे। एम्बू की फुल फॉर्म क्या होती है आप कमेंट में बताना। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट स्टेप, मेंटेन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को कैसे मेंटेन करते हैं वो हम लास्ट इसमें देखते हैं। मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन बाय चेस्ट एक्स कंप्रेशन, बाय चेस्ट कंप्रेशन। अब यहाँ देखते हैं कि चेस्ट कंप्रेस कैसे करनी है, किस रेशियो में करनी है। जो चेस्ट कंप्रेस किया जाता है वो थंब टेक्निक और फिंगर टेक्निक, फिंगर और थंब टेक्निक की सहायता से चेस्ट को कंप्रेस किया जाता है। और इसका रेशो होता है वो है 3:1, 3 कंप्रेशन एंड 1 ब्रीथिंग, रेशो ऑफ कंप्रेशन एंड ब्रीथिंग 3:1। इसके हेल्प से हम सर्कुलेशन मेंटेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।